असलम दोज स्टूडेंट्स वो आर गोइंग टू अपीयर इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चर आज हम आपके साथ सेलेबस शेयर करने जा रहे हैं और सोर्स uh, भी साथ और तैयारी कैसे करनी है माई नेम इज़ नसीम खान आई हैव क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ बी पी एस सेवेंटीन एज ए इंग्लिश लेक्चर थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सेलेबस है थर्टी परसेंट इंग्लिश लिटरेचर से दिया हुआ है वो कैसे तैयार करना है आज मैं बताता हूँ थर्टी परसेंट आपका लिंग्विस्टिक्स है वो कैसे तैयार करना है वो भी तरीका बताता हूँ थर्टी परसेंट जनरल इंग्लिश है वो उसमें क्या है वो भी बताता हूँ और उसके बाद लास्ट टेन परसेंट जो है वो जनरल नॉलेज है यानी कि टोटल कोश्चन्स जो हैं वो आपके पचास होंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स हैं वो दो हैं तो टोटल परसेंट मैंने हंड्रेड करके बता दिया तो आपने लिटरेचर के लिए क्या पढ़ना है लिटरेचर के लिए बुक्स बताने जा रहा हूँ एक है डॉक्टर बी आर मलिक की बुक है जो कि इंग्लिश लिटरेचर की है इसमें आपने क्या करना है आपने डायरेक्ट एम सी क्यू नहीं पढ़ना है अगर आप एम सी क्यू डायरेक्ट पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस कवर भी नहीं हो पाएगा और आप टेस्ट भी मुश्किल से क्वालिफाई कर पाएंगे तो करना क्या है आपने सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल आर्डर के साथ पढ़ना है अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी से रेगुलर हैं तो पहले आप ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट करें एंग्लो सैक्सान से अब एंग्लो सैक्सान थेरी जैसे पढ़ी आपने पूरा थेरेटिकल परस्पेक्टिव में पढ़ा और उसके बाद आप एम की तरफ आ जाए मैं समझता हूँ आपके लिए बिल्कुल आसानी होगी और एंग्लो सैक्सान के अंदर या किसी भी एज के लिए आपने पढ़ना क्या है सबसे पहले आपने उस एंग्लो सैक्सान एज के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं आपने उनके शॉर्ट नोट्स बनाने। लाए जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर ओल्ड में एंग्लो सेक्सान के टाइम पे सब्जेक्ट मैटर राइटर्स का क्या था आपसे पूछा जा सकता है तो सब्जेक्ट मैटर रिलीजस था तो पोइट जो है ज्यादातर रिलीजियस फैक्ट्स को ज्यादा फोकस किया करते थे और लिटरेचर कौन से टाइप का था औरल था रिटन में था तो आपने औरल बता देना है और मेजर राइटर्स कौन से थे तो आपने कहना है कैडमिन थे और साइन वल्फ थे और मेन पोइम कौन सा था बेवोल्फ था अच्छा बेवोल्फ क्या था वो भी आपसे पूछा जा सकता है एक एपिक था एपिक पोएम था तो देखिए इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं आपने हाईलाइट करके लिखनी है इस तरह से सवाल आ सकता है उसके बाद आपने फौरन पोस्ट मार्डर्न पर नहीं जाना है फिर आपने जैसे एंग्लो सेक्शन क्लियर किया फिर आपने डायरेक्ट जाना है मिडल इंग्लिश की तरफ 1066 टू तर 1500 तक जितने भी अब आपको चासर की एज मिलेगी और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई है फीचर्स मेन कौन से हुए हैं जैसे भाई द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन ट्वेल्व नाइनटीन ये भी पूछा जा सकता है भाई इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और मैगना uh, मेगना जो है uh, चार्टर कब बना मेगना का, कार्टर जो था और उसके बाद इन द फोटीन सेंचुरी रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक ये भी आपसे मेन सवाल तो पूछे जा सक ये नोट्स मेरे पास मौजूद हैं इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड टू गो थ्रू माई नंबर कैन गेट ऑल दी पे डी एफ्स और उसके बाद आपने क्या करना है जैसे ही आपने ये चीज़ें कवर की थेरेटिकल में तो इसके लिए एम का किताब है एक इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये आप क्या करें इनमें से आप अपनी जो है एम तैयार करें और एम तैयार आपने दो तरीके से करने हैं। एक तो इस बुक से और दूसरा जो सी के पास्ट पेपर्स है ना जिसमें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो आ, लेते हैं पेपर ट्वेंटी परसेंट का जो एम सी क्यू पॉट है वो आप ले लें और इस बुक के अंदर एम सी क्यू के आ, जो लिटरेचर के भी साथ हैं और लिंग्विस्टिक्स के भी आपके पास मौजूद हैं तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तो हिस्ट्री क्लियर करनी है एंग्लो सेक्सान से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म तक और डेवलपमेंट्स जो आ, हिस्ट्री के अंदर जो मूवमेंट्स हुई हैं या जो पीरियड्स हैं जैसे रोमांटिसिज्म पीरियड है भाई रोमांटिसिज्म पीरियड में मेजर इम्पॉर्टेंट पोइट्स कौन से थे राइटर कौन से थे और रोमांटिसिज्म में सबसे ज़्यादा किस आ, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम किया गया या आपसे राइटर का पूछा जा सकता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ वर्थ है वो किस टाइप का पोइट था तो आपने कहना पोइट ऑफ नेचर था और जॉन कीट्स आपसे पूछा जा सकता है और इसी तरह एस टी कॉलरिज का पूछा जा सकता है और इनके फेमस वर्क्स का पूछा जा सकता है इससे हट के आपसे सवाल नहीं करेंगे जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं इसी तरह आप जो है लिटरेचर से ये चीज़ें कवर करनी है और दूसरा आपसे प्रोसेडी से, से सवालत पूछे जा सकते हैं पैरोडी क्या होती है या फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं थर्टी फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार करें इन आपका मसला हल हो जाएगा उसके बाद लिंग्विस्टिक्स के पार्ट की तरफ आते हैं कि लिंग्विस्टिक्स का जो सेलेबस है वो आपने कहाँ से तैयार करना है तो एक बुक बताता हूँ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल जॉर्ज यूल का एक सिंपल छोटा सा बुक है और वो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसमें से भी सब्जेक्ट जो है बेटा सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स नंबर थ्री द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज नंबर फोर द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज इसमें डेवलपमेंट्स हैं छोटा छोटा चैप्टर्स हैं छोटे चैप्टर्स हैं छः सात सात पेजेस के और नंबर फाइव चैप्टर वर्ड फार्मेसन नंबर सिक्स माफोलजी नंबर एट चैप्टर सिंटैक्स नंबर नाइन सिमेंटिक्स और उसके बाद ब्रांचज ऑफ लिंग्विस्टिक्स सोशल लिंग्विस्टिक्स न्यूरोग्वस्टिक्स और इस तरह के ना आपसे सवालत पूछे जा सकते हैं और इससे बढ़ के आपसे सवाल नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ लिंग्विस्टिक्स पार्ट के लिए स्टडी ऑफ लैंग्वेज का बुक बाय जारजूल का इज़ मोर देन इनफ कोई ज़रूरत नहीं है कहीं इधर उधर जाने की और उसके बाद अब आते हैं थर्टी परसेंट जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है जिसमें आपको सेंटेंस करेक्शन सनोनेम्स एंड एंटोनेम्स और नरेशन एक्टिव पैसिव या एक दो इडियम आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये इडियम्स और सेंटेंस करेक्शन ये कहाँ से तैयार करने ये तैयार आप ना रेन बाटन बुक से तैयार करें वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ये एंटीबायोटिक है अंग्रेजी जनरल के लिए और सनोनेम्स और एंटोनेम का जो पोर्शन है उनके लिए मैं अपने नोट्स आपको दे सकता हूँ क्योंकि वो तमाम तर वही एम सी क्यू मैंने तैयार किए हैं सनोनेम्स एंटोनेम का पोर्शन इनशाला आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इसमें से सेंटेंस करेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसवाइज़ और टेंसेज का थोड़ा बहुत जो है ना एक्सपरियर ले, ले लेना है और इससे हट के कोई और दूसरा लास्ट वन जो टेन परसेंट जनरल नॉलेज का है वो अक्सर आपसे जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर्टिकुलरली सिंध की पूछी जाती है जैसे भाई खीरसर रेंज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मंछर लेक किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है किंजर लेक किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सबसे बड़ी डैम कौन सी है या पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस कंट्रीज़ के साथ लगते हैं और उनके नाम क्या है वाघा बॉर्डर कहाँ है और देखें इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं या पाकिस्तान के जो ताल्लुक हैं वो किस मुल्क के साथ फ़ारेन जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट है ज़्यादा इम्पोर्ट है पाकिस्तान में पावर प्लांट जो है किस मुल्क ने लगाया स्टील मिल किस के थ्रू लगाया गया इंडस वाटर टीटी जो है पाकिस्तान में जो 1960 वाली है वो किसके बीच में थी और मीडिएटर कौन था इस तरह के तमाम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नो नीड टू वरी अबाउट इट बाकी इंटरव्यू का जो पोर्शन है वो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है those uh, who are going to appear must watch my video inshallah you would have a lot of benefit thank you so much for watching my video